स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस की वीडियोस में आपने देखा था, हम चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे थे, जिसमें कि हमने माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं और वो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस हमने डिस्कस करा था। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। आज भी हम माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स इन एम्बेडेड इकोसिस्टम्स। आज हमारा पार्ट जो है IoT बुक का वो है 26, जो कि हमारा मॉड्यूल 4 M4R5 पर बेस्ड है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, इस मॉडल का नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो में, जिसमें कि हम देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हम हमारे जो डिवाइस बनाने जा रहे हैं IoT की, उस इकोसिस्टम पे बेस्ड हम यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट हमारा 7 है और चैप्टर नंबर 3 का नेम सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स इन एम्बेडेड इकोसिस्टम्स, यानी एम्बेडेड इकोसिस्टम्स में हमें कितने तरीके के माइक्रो कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम IoT के ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जो हमें हमारे फंक्शन हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनानी होती है, ठीक है। अब वो हमारी IoT की डिवाइस स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है, अलग अलग साइज़ की हमें बनानी होती है। तो हमें अलग अलग साइज़ की बनानी है या अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए बनानी है या अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग बनानी है, तो उन सब के लिए हमें अलग अलग टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करें। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स इन एम्बेडेड इकोसिस्टम्स, यानी हम जो एम्बेडेड डिवाइस बनाने जा रहे हैं, हम हमारी IoT की डिवाइस को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हमें कितने टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स मार्केट में मिलते हैं और हमें कैसे कैसे माइक्रो कंट्रोलर्स को अपने डिवाइस के लिए सिलेक्शन करना होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरी आर्किटेक्चर्स बिट एंड इंस्ट्रक्शन सेट्स, यानी माइक्रो कंट्रोलर्स कई कैटेगरीज में क्या करा गया, डिवाइड करा गया, किसके अकॉर्डिंग, वो जो हमारी स्टोरेज होती है उसके अकॉर्डिंग, क्या आर्किटेक्चर कैसा डिज़ाइन हमारा मॉडल का बनाना चाह रहे हैं, किस तरीके की डिज़ाइन मॉडल होगा, किस तरीके के इन्वायरमेंट में हमारी डिवाइस वर्क करेगी, कितने बिट्स पे वो वर्क करेगी और साथ ही साथ क्या इंस्ट्रक्शन हमारी डिवाइस को दिए गए हैं, इन सभी पर क्या बेस्ड होगा हमारा माइक्रो कंट्रोलर, या उन सभी को सोचते हुए हमें माइक्रो कंट्रोलर का क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है हमारी IoT डिवाइस के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसे आज ही। सो लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन बिट्स, यानी ऐसे माइक्रो कंट्रोलर जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, बिट्स के अकॉर्डिंग, यानी कितने बिट्स फंक्शंस के थ्रू हमें रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे डिवाइस की, तो बिट्स पे बेस्ड होता है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग स्पीड, माइक्रो कंट्रोलर हमारे प्रोसेसिंग स्पीड पर भी क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, तो हमें किस स्पीड के हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, यानी कुछ ऐसे माइक्रो कंट्रोलर्स भी है जो कि सिक्योरिटीज के लिए मोस्टली वर्क करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन कंडक्टिव शील्ड लेयर, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन मेमोरी कैपेसिटी, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन पावर कंजप्शन, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन नेटवर्क कनेक्टिविटी इंटरफेसेस, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर्स, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड द 11th वन इज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन कम्युनिटी एंड मैन्युफैक्चर सपोर्ट्स, यानी कई तरीके के हमें हमारी जो डिवाइस है उसके फंक्शन के लिए हमें अलग अलग टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, कुछ बिट्स के अकॉर्डिंग, कुछ पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग, कुछ आर्किटेक्चर्स और हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर का हमें हमारी डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार आपको वापस इमेज दिखाते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कार्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, आईपॉड्स हो गए, हमारे वॉशिंग मशीन्स हो गई, हमारे कॉफ़ी मेकर मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, स्पीडोमीटर, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड्स,
हेल्थ फील्ड में देख लें, या हमारे आईपॉड्स हो गए, हमारे जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड या रोबोट्स हैं, इन सब में बेसिकली हमारे किसका कंट्रोल किया जा, किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। यानी पूरी प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू होती है। इनमें अलग से हमें रैम के और एडिशनल डिवाइसेज लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसे डिवाइसेज में आपने देखा हो, जैसे आपकी बाइक है, आपने इसमें नहीं देखा कुछ सेल्फ स्टार्ट हो रही है ना, तो उसके लिए कोई प्रोसेसिंग की गई है, कोई चिप लगाई गई है और उनकी सेटिंग की गई है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बाइक में रैम लगाई हो, है ना, तो वो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू क्या की जा रही है, आपकी बाइक कंट्रोल की जा रही है। कई आजकल ऐसे एडवांस हमारे पास सिस्टम्स आ गए जो कि हमें गाइड कर देते हैं कि प्रॉपर आपके जो एरिया या लोकेशन है उसमें किस तरह से आपकी डिवाइस वर्क करनी है। तो पूरी गाइडेंस हमें माइक्रो कंट्रोलर और हमारी डिवाइस पूरी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही प्रॉपर रन होती है। कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन बिट्स, ठीक है। जैसे आप जानते हैं बिट्स हमारे 0-1 की फॉर्म में होते हैं। अब हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो कितने बिट्स को सपोर्ट करते हैं वो हम देख रहे हैं। हमें हमारी डिवाइस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा स्पीड का या ज़्यादा अमाउंट का वर्क नहीं करना है तो हम 8-bit प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर भी ले सकते हैं, या फिर हम अगर थोड़ी से ज़्यादा का चाहिए तो 16-bit माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ भी ले सकते हैं, 32-bit माइक्रो कंट्रोलर एंड 64-bit माइक्रो कंट्रोलर का भी यूज़ ले सकते हैं। जबकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में हमें इतने सारे बिट्स पे वर्क करने के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, उसमें कम होते हैं। जैसे यहाँ पे शो करवा रहा है आपको 8-bit माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट लॉजिक एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी हमें इससे ज़्यादा वर्क नहीं करवाना है इस कंट्रोलर से। ये क्या करता है, थोड़े कम ही अमाउंट का क्या करता है, जैसे लॉजिकल वर्क हो गए या अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए, वो इस बिट माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ईजीली कंप्लीट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 8-bit माइक्रो कंट्रोलर इज इंटेल 8031-8051। यानी 8-bit माइक्रो कंट्रोलर्स की जो नेम जो एक एग्जाम्पल है वो आपको इंटेल 8031-8051 मिल जाएगा मार्केट में इजीली। ये क्या होता है, ज़्यादा इनसे क्रिटिकल वर्क्स नहीं कराया जाता, सिंपल लेवल के जो करके लॉजिकल या अरिथमेटिक से रिलेटेड हो गए तो उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा 16-bit माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स विथ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू 8-bit। फॉर एग्जाम्पल 16-bit माइक्रो कंट्रोलर इज इंटेल 8096। यानी अगर हमें 8-bit वाले जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर से थोड़ा ज़्यादा वर्क करवाना है और हमें हमारे जो की वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इंक्रीज करवानी है, तो हम 16-bit माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ हमारे डिवाइस के लिए भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल 8096 आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा 32-bit माइक्रो कंट्रोलर इज एम्प्लॉयड मेनली इन ऑटोमेटिकली कंट्रोल अप्लाइंसेज सच एज ऑफिस मशीन्स इम्प्लीमेंटेबल मेडिकल अप्लाइंसेज एटसेट्रा। इट रिक्वायर्स 30-bit इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट एनी लॉजिकल एंड अरिथमेटिक फंक्शन। अगर हमें देखिए कोई ऑटोमेटिकली रन होने वाले डिवाइसेस के लिए हमारे कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट है, हम ऐसी डिवाइसेस बना रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक रन करेंगी, ऑटोमेटिक उनका पावर ऑन होगा ऑफ होगा, तो उसके लिए हमें 32-bit माइक्रो कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस की जो मशीन्स होती हैं या हमारे होम अप्लायंसेज में भी कुछ ऐसे डिवाइसेज होती है जो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है या ऑटोमेटिक उसका फंक्शन कंप्लीट कर दिया, जैसे माइक्रोवेव्स हो गए इन सब का, ठीक है। जैसे जो भी उसमें आपको आपने अमाउंट उसका मेजरमेंट सेट कर दिया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट सेट कर दिया, तो वहाँ तक आते हैं जैसे आपका माइक्रोवेव क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो वही है ऑटोमेटिक। उसके लिए हम बेसिकली 32-bit माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हमारा इसके अलावा होता है 64-bit माइक्रो कंट्रोलर भी हम हमारी डिवाइसेस के लिए ले सकते हैं। अगर हमें इनसे भी ज़्यादा कोई एडवांस्ड हमारी IoT डिवाइस बनानी होती है तो हम उसके लिए 64-bit माइक्रो कंट्रोलर्स को भी क्या कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग स्पीड। अब देखिए हम जो डिवाइस बना रहे हैं, हम एक
उस डिवाइस के थ्रू रिस्पॉन्स या डेटा प्रोसेस होने की जो स्पीड है, अगर अच्छी चाहिए होती है तो हम स्पीडली वाला हमारे माइक्रो कंट्रोलर लेते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारा कोई एडवांस बहुत हाई अमाउंट का वर्क नहीं, हमें सिंपल वर्क ही करना है, तो हम थोड़ा लो प्रोसेस वाले क्या कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर खरीद सकते हैं अपने डिवाइस के लिए। प्रोसेसिंग स्पीड इज क्रिटिकल फॉर IoT प्रोडक्ट्स। वाइल सम IoT प्रोडक्ट्स कैन रन एट लो स्पीड, बट सम रिक्वायर देन द माइक्रो कंट्रोलर टू प्रोवाइड अ हायर स्पीड। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ IoT प्रोडक्ट्स में आपको लो स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है, बट कुछ IoT प्रोडक्ट्स में क्या होती है, बहुत ही हाई स्पीड प्रोवाइड करने वाली आपके पास IoT डिवाइसेस होती है। सो दे कैन एग्जीक्यूट मोर डिमांडिंग टास्क, जिससे क्या हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वर्क्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी हमारी रिक्वायरमेंट जैसे होगी कि हमें स्पीड का डेटा रिक्वायरमेंट प्रोसेस होके चाहिए या हमें लो लेवल का चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें हमारे प्रोसेसिंग स्पीड को के अकॉर्डिंग हमें माइक्रो कंट्रोलर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ द फीचर्स, इन्वायरमेंट एंड देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, द माइक्रो कंट्रोलर नीड्स इनफ प्रोसेसिंग टू एग्जीक्यूट द फंक्शंस एंड टास्क। जैसा कि हमने अभी बात करी कि हमें माइक्रो कंट्रोलर हमारी प्रोसेसिंग स्पीड देख कर लेनी चाहिए कि हमें जो डेटा रिवर्ट होगा वो किस अमाउंट पे होगा, स्पीड में चाहिए या स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए, जैसा भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करना होता है। इसी के साथ साथ जो हमारे डिवाइसेज होती है, उनका जो भी फीचर्स होते हैं, एनवायरनमेंट होता है और उनका जो भी ऑपरेशन सेट किया गया होता है, इन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग भी हमें हमारे माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड के संबंध स्पीड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी हमारी एक डिवाइस से हम पर्टिकुलर वर्क करवाना चाहते हैं वो प्रॉपर वे में कंप्लीट हो सके। तो यानी हमें हमारे डिवाइस की स्पीड, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा कि कितने स्पीड पर डेटा इनपुट के थ्रू मेमोरीज में स्टोर किया जाएगा, कितना स्पीड पर डेटा वापस हमें मिलेगा, आउटपुट होगा, वो सब हमें हमारी डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड का भी हमें हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के सिलेक्शन के टाइम ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। यानी कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स ऐसे भी आए हैं जो कि सिक्योरिटी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि आजकल कोई भी किसी भी तरह से आपके डिवाइसेस पर अटैक करना चाहता है, बट हम चाहते हैं कि हमारी IoT डिवाइसेस क्या हो, अटैकर से बच जाए, कोई भी बाहरी पर्सन उस हमारे डिवाइस तक अटैक ना कर सके, ना ही उसे हार्म कर सके। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, सिक्योरिटी वाले माइक्रो कंट्रोलर का भी सिलेक्शन करना होता है हमारी IoT डिवाइस के लिए। इन द डिजिटल एज, सिक्योरिंग डेटा इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर माइक्रो कंट्रोलर डिजाइनर्स एंड द एंड कंज्यूमर्स हु आर यूजिंग द IoT डिवाइसेज। अभी आज के ज़माने में जो डिजिटल एज हम देख रहे हैं, इसमें डेटा को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गया है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन करने वालों के लिए भी और साथ ही साथ जो उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है उसके लिए भी डेटा को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर डेटा सिक्योर नहीं किया जाएगा तो डेटा से जो भी हमारा डिवाइस होगी उससे डेटा चोरी होने का, इनक्रिप्ट होने का, उससे डेटा लीक होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटीज हमें मिल जाए हमारे पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। ऑफन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेजर माइक्रो कंट्रोलर डिप्लॉय सिक्योरिटी मेजर्स सच एज डेटा इनक्रिप्शन एंड शील्ड लेयर्स टू प्रिवेंट द एक्सेस फ्रॉम एनी मैलिशियस एक्टिविटीज। जैसा आपने देखा कि हमें डेटा लास्ट कंज्यूमर तक और डिज़ाइनर तक दोनों को क्या करना होता है, डेटा को सिक्योर बनाने का सोचना चाहिए दोनों, क्योंकि कंज्यूमर का डेटा अगर लीक हो रहा है तो वो हमारे डिवाइसेज आगे से परचेज नहीं करेगा या हमसे वो डील नहीं करेगा। तो हमें दोनों लेवल पर सोचना होता है, एक तो डिज़ाइनर जब अपनी IoT डिवाइस डिज़ाइन कर रहा है तब उसे अपने सिक्योरिटी वाले डिवाइसेज का यूज़ करने के बारे में सोचना चाहिए, और साथ ही जब हमारा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है तो उसके लेवल के लिए भी डिज़ाइनर्स को सोचना चाहिए। इन्हीं के साथ साथ जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो माइक्रो कंट्रोलर्स बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स डेवलप करते हैं बनाते हैं, उनको क्या करना होता है, कोई भी हमारा डेटा इंक्रिप्शन है या कह सकते हैं हम यहाँ पे शील्ड लेयर्स हैं जो है ना, ये क्या करवाते हैं, ऐसे डेटा इंक्रिप्शन और ऐसे शील्ड लेयर्स प्रोडक्ट को क्या करवाते हैं,
उन माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या करवाते हैं, अटैच करवाते हैं, ताकि हमारा डेटा जो भी हो किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी से बच सके। यानी बहुत से ऐसे कोडिंग्स का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर्स जिससे कि आपकी डिटेल्स लीक ना हो। तो आपने देखा कि हमें माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करते थे, हम सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर के जब डिज़ाइनर्स हैं तो उन्हें भी इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस माइक्रो कंट्रोलर में अटैच किए जाएँ जिससे कि डेटा लीक होने के या किसी भी तरीके के साइबर अटैक होने के चांसेस या उस डिवाइस पर अटैक होने के चांसेस नहीं रहे। डेटा इंक्रिप्शन एंड शील्ड लेयर्स का वहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शंस के लिए। फर्दर मोर दे आर बिल्डिंग मोर स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी चिप्स दैट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द माइक्रो कंट्रोलर टू सिक्योरली स्टोर इंक्रिप्शन कीज एंड यूजर क्रेडेंशियल। इसके अलावा वो क्या करते हैं, और अधिक तरह से सुरक्षित कई ऐसे चिप्स बनाते हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करवा रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है। फिर उनको क्या करते हैं, हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर्स की डिवाइसेस हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, जो कि क्या होती है बहुत ही सिक्योरली वे में इंक्रिप्शन कीज़ एंड यूज़र की आइडेंटिटीज़ को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो इंक्रिप्शन कीज़ एंड यूज़र की आइडेंटिटी से क्या होगा, केवल यूज़र ही उन डिवाइसेस पर वर्क कर पाएगा, कोई थर्ड पर्सन उन डिवाइसेस पर बिना यूज़र की इंफॉर्मेशन के एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सब हमें माइक्रो कंट्रोलर की सिक्योरिटीज़ भी हमें देखनी होती है। कंटिन्यू करते हैं हम, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन कंडक्टिव शील्ड्स लेयर। जैसा कि मैंने देखा, आपको बताया था कि शील्ड लेयर्स और हमारे इंक्रिप्शन मेथड ये हमारे डेटा को सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, ताकि इस तरह की चिप डिज़ाइन की जाए जिससे कि क्या किया जाए, आपका डेटा हार्म होने से बचाया जा सके। समटाइम्स अटैकर्स यूज स्ट्रेंज एल्गोरिदम टू रीड एंड इंटरनल सिग्नल्स टू गेट इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर एंड कंट्रोलर द डिवाइसेस। कई बार हमने जैसे देखा है कि जो हमारे अटैकर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, हमारी जो डिवाइसेस हैं उन तक अटैक करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स बनाते हैं जिनसे कि क्या किया जाए, हमारे जो डेटा है उसको क्या किया जाए, रीड करके और वो अपने अकॉर्डिंग उस पर क्या कर सके, यूज़ कर सके या उस पर कंट्रोल कर सके। तो हमने देखा कि अगर हम ऐसे प्रोटेक्शन वाले हमारी कंपोनेंट्स का हमारे चिप्स में यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा डेटा हमारे अटैकर्स अपनी एल्गोरिदम्स के थ्रू क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। कंडक्टिव शील्ड्स लेयर्स प्रिवेंट एनी शॉर्ट ऑफ रीड्स एंड राइट ऑन द इंटरनल सिग्नल्स। जो हमारी कंडक्टिव शील्ड लेयर्स होती है वो हमारे इंटरनल जो भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें किस प्रकार रीड करना है, राइट करना है किसी अटैकर्स के थ्रू, उनको क्या करती है, रोकती है कि अगर कोई हमारे डेटा पर रीड करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है या अनवांटेड अटैक करना चाह रहा है, तो उनको क्या करता है, ये कंडक्टिव शील्ड्स लेयर्स क्या करती है, प्रोटेक्शन हमारी डिवाइस को प्रोवाइड करवाती है। कंटिन्यू करते हैं हम, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन मेमोरी कैपेसिटी। यानी हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी होता है। हमें हमारी डिवाइस को सबसे पहले सोचना होता है कि हमें हमारी डिवाइस से लार्ज अमाउंट पे वर्क करवाना है या स्मॉल अमाउंट का वर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे मेमोरी का सिलेक्शन भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर के टाइम पे हमें करना होता है। जैसे हमारे फ़ोन्स हो गए, अगर हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन से हमें लार्ज अमाउंट पे वर्क करना होता है तो हम क्या देखते हैं कि इसकी रैम अच्छी हो, है ना। और अगर हम जानते हैं कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशनल वर्क हमारे मोबाइल से नहीं होना है, केवल सिंपल वर्क ही करना है, तो हम क्या लेते हैं, थोड़ा कम मेमोरी वाला फ़ोन भी ले लेते हैं। तो उसी तरह हम हमारी IoT की जो डिवाइस बनाने जा रहे हैं उसमें मेमोरी कैपेसिटी को भी हमें ध्यान में रखना होता है। माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्शन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज सिग्निफिशेंटली इम्पॉर्टेंट एज द प्रोसेसिंग स्पीड एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन द मेमोरी साइज। हमारी जो भी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो भी हमारा परफॉर्मेंस है, वो सब किस पर डिपेंड करती है, हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स की जो मेमोरी साइज होती है उस पर डिपेंड करती है हमें। और हमारी IoT डिवाइस के लिए हमें क्या करना होता है, माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करते टाइम एक अच्छी मेमोरी का भी ध्यान रखना होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में कितने अमाउंट की डेटा स्टोर किया जा सकता है और उन पर प्रोसेस किया जा सकता है। डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर हैव डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटी यूजुअली इन टू कंपोनेंट्स रैम एंड रोम।
कई तरीके के आपको माइक्रो कंट्रोलर्स मार्केट में मिल जाते हैं, और उनमें ही आपको कई तरीके की मेमोरी कैपेसिटीज़ भी मिल जाती है। बेसिकली उनमें हमारे दो मेमोरी कैपेसिटीज़ रहती है, एक तो रहती है हमारी रैम एंड एक रहता है हमारा रोम। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको पता होंगे कि रैम क्या होती है और रोम क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, इन सबके जो मेमोरीज़ है इन सबके थ्रू क्या किया जा सके, डेटा कैप स्टोर किया जा सके और उन पर बहुत ही स्पीडली क्या किया जा सके, प्रोसेसिंग का वर्क कंप्लीट करवाया जा सके। तो अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर पे हमें अलग अलग मेमोरी मेमोरी स्टोरेज मिल जाती है, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, हमारे IoT डिवाइसेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करना होता है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन पावर कंजप्शन, आपके जो माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू आप जो डिवाइस बनाने जा रहे होते हैं तो उनमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी डिवाइस कितना पावर कंजप्शन दे रही है, क्योंकि कई बार ऐसी डिवाइसेस भी आपको बनानी होती है जो कि वियरेबल्स होती है या जिनका एक जगह बैठ के यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो वो कितने समय पे चार्ज हो रही है, कितनी पावर उसमें कंजम्पशन हो रहा है, किस तरह से वो वर्क करेगी, कितना पावर उसमें लगेगा किसी वर्क को कम्प्लीट कराने में, तो ये टॉपिक्स भी हमें क्या माइक्रो कंट्रोलर के सिलेक्शन के टाइम ध्यान में रखने होते हैं कि कितना पावर कंज्यूम होगा। माइक्रो कंट्रोलर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड टू एनर्जी एफिशिएंट फॉर IoT प्रोडक्ट्स। हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर्स है उसमें क्या है, सबसे पहले तो जो IoT डिवाइस हम बनाने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर इफेक्टिव एनर्जी होनी चाहिए, इफेक्टिव एनर्जी के थ्रू वो डिवाइस रन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉपर एनर्जी इसका फ्लो नहीं हो रहा है और डिवाइसेस में क्या हो रहा है, इंटरप्शंस हो रहा है, वो प्रॉपर रन नहीं कर रही है। तो हमें प्रॉपर रन करवाने के लिए इफेक्टिव एनर्जीज को ध्यान में रखना होता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर के सिलेक्शन के टाइम। ऑफन मैन्युफैक्चरर्स हु आर बिल्डिंग माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर IoT डिवाइस फेस परफॉर्मेंस एंड पावर चैलेंजेस स्पेशली फॉर वियरेबल एंड बैटरी पावर डिवाइसेस, ठीक है। देखिए अभी तक हमने देखा कि हमें ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी हो, कम पावर कंजप्शन का यूज़ किया जाए उस डिवाइस को रन करने के लिए, तो उसी को ये आगे भी बता रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो IoT डिवाइस के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स को जो डेवलप कर रहे हैं उनको क्या करते हैं, कई ऐसी डिवाइसेस बनानी होती है जो कि वियरेबल होती है या फिर किससे चलती है, हमारी बैटरी से रन करती है, तो उनको पूरी परफॉर्मेंस उनको पूरे शो करवाने के लिए कितनी पावर चैलेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब भी हमारा पावर हमें देखना होता है हमारी डिवाइस के लिए कि एक डिवाइस के लिए कितनी पावर कंज्यूम होगी, कितने तरीके से वह कितने प्लेटफॉर्म पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी पर प्रॉपर रन कर जाएगा, या अगर बैटरी से भी है तो उसे किस तरह से रन किया जाएगा। 7 आता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन नेटवर्क कनेक्टिविटी इंटरफेसेस। देखिए हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है तो हम देखते हैं कि एक माइक्रो कंट्रोलर ही हमारे IoT डिवाइस में मेन वर्क करता है, तो हमें क्या करना होता है, कई बार ऐसी डिवाइसेस बनानी होती है जो कि क्या कर रही होती है, किसी न किसी इंटरनेट से कनेक्ट होती है, चाहे वो वाईफाई हो गया, आपका RFID हो गया, कोई सा भी आपका 3G 2G 4G हो गया, या किसी न किसी इंटरनेट के थ्रू तो क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। अब वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है, किस वे में हो रही है, तो जब हम IoT की डिवाइसेस बना रहे हैं उस समय हमें सोचना होता है कि हमें किस कनेक्टिविटी वाली माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर आर डिज़ाइन फॉर टू सपोर्ट वन और मैनी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन किए गए हैं वो हमारे एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, या हमें हमारे डिवाइस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखने चाहिए, लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क्स लाइक 2G 3G 4G और इवन RFID। यानी जब आप डिवाइस ऐसी बना रहे हैं जो कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटीज के थ्रू भी रन करेगी, तो हमें वो देखना चाहिए कि वो जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर है उसमें प्रॉपर वाईफाई कनेक्टिविटी हो सकती है नहीं हो सकती, ब्लूटूथ का आपको यूज़ करना है नहीं करना, सेलुलर नेटवर्क का आपको यूज़ करना है नहीं करना, तो इन सब के लिए भी प्रॉपर आपको प्रॉपर माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। IoT डिवाइसेस कैन बी आइदर कनेक्टेड थ्रू अ वायर्ड एंड वायरलेस। देखिए जब हम कोई डिवाइस बना रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारी जो डिवाइस है वो किस तरह से कनेक्ट होगी, हो सकता है आपकी डिवाइस वायर्ड कनेक्शन के थ्रू वायर के थ्रू भी हो, या फिर हो सकता है आपकी डिवाइस वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू भी हो, है ना। यानी आपका जो डिवाइस है उस पर डिपेंड करेगा कि
आपकी कनेक्टिविटी किस तरीके की होगी, और उसी जब आप माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन कर रहे होंगे तभी आपको देखना होगा कि आपकी डिवाइस का जो कनेक्टिविटी होगा वो किस तरह से होगा, वायर्ड के थ्रू होगा या वायरलेस होगा। जैसे कई डिवाइसेस होती है जिसमें कि आपको केवल वायर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, वायर्ड कनेक्शंस होगा, और कई में आपको केवल वायरलेस के कनेक्शन के थ्रू ही वर्क करवाना होगा। तो इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी इंटरफेस भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर के टाइम पे हमें बहुत ध्यान देने वाला एक टॉपिक होता है। Hence you have to determine the utility of your IoT device and then its network requirement. इसलिए आपको अपने IoT device की जो utility है और उसके बाद उसकी जो network की requirements है उनको decide करना, उनको fix करना होगा। जैसे आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी कौन सी डिवाइस बनाना चाह रहे हैं, वायर्ड कनेक्शन वाली बनाना चाह रहे हैं, वायरलेस कनेक्शन वाली बनाना चाह रहे हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है किस नेटवर्क से आप कनेक्ट करेगी आपकी डिवाइस, तो आपको क्या करना होता है उसी अकॉर्डिंग अपनी IoT डिवाइसेस के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी इंटरफेसेस का यूज़ करना होता है। तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट। आप देखिए माइक्रो कंट्रोलर्स जो हमारे होते हैं, आपकी जो IoT डिवाइसेस होती है उनमें कई तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं डिवाइस को, है ना, कि उस पर्टिकुलर डिवाइसेस को केवल एक टास्क करना है, दो टास्क करना है, या उसे रैपिडली ये कुछ टास्क करने हैं, कुछ समय के बाद ये टास्क करना है, ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं आपकी IoT डिवाइसेस को। तो कितने इंस्ट्रक्शन आप एक समय पर अपनी IoT डिवाइस को दे सकते हैं, तो वो भी आपको सिलेक्शन करना होता है। इसमें आपके दो मेथड होते हैं, एक तो CISC और एक होता है आपका RISC। CISC मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इट अलाउज द यूजर टू अप्लाई वन इंस्ट्रक्शन एज एन अल्टरनेटिव टू मेनी सिंपल इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं CISC का फुल फॉर्म आपने देखा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। यह क्या करता है, यूजर को कई सिंपल इंस्ट्रक्शंस के एक अल्टरनेटिव के रूप में आपको एक जो सिग्नल होता है, आपका जो एक इंस्ट्रक्शन होता है उसको अप्लाई करने के लिए क्या देता है, आपको प्लेटफॉर्म देता है, अलाउ करता है। यानी इसमें बहुत से सिंपल इंस्ट्रक्शंस के लिए केवल एक इंस्ट्रक्शन देने की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि RISC में, RISC मीन्स रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, नाम से पता है रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अगर आपने दिए रखे हैं अपने डिवाइस के लिए, तो ये क्या करेगा, उनकी साइज को रिड्यूस कर देगा, फिर उनके अकॉर्डिंग क्या करवाएगा, टास्क अप्लाई करवाएगा। RISC रिड्यूस द ऑपरेशन टाइम बाय शॉर्टनिंग द क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, आपका जो आपके क्लॉक टाइम्स के अकॉर्डिंग है जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको क्या करेगा, साइज को रिड्यूस कर देगा, और फिर आपके RISC के ऑपरेशन के समय को कम करके उसे रन कर देता है। यानी ये जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये इंस्ट्रक्शन की को ये साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और फिर आपके जो भी टास्क होते हैं उन्हें कंप्लीट करवाता है। तो हमें इंस्ट्रक्शन सेट का भी माइक्रो कंट्रोलर्स के सिलेक्शन में ध्यान में देना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, यानी आपका जो IoT डिवाइस का आर्किटेक्चर है आपका माइक्रो कंट्रोलर भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप बहुत बड़ी अमाउंट का आर्किटेक्चर है आपका IoT का, बट आप ले रहे क्या है कि स्मॉल साइज का आपका माइक्रो कंट्रोलर ले रहे हैं, जिसमें मान लीजिए 8 GB का ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा जैसा आप चाहेंगे। तो हमें आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग भी क्या करना होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स का सिलेक्शन करना होता है, जिसमें हमारे दो आते हैं, एक हार्वर्ड एक वॉन न्यूमन, ठीक है। हार्वर्ड क्या है, इन दिस आर्किटेक्चर द CPU हैज टू सेपरेट बसेज। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, CPU की दो अलग अलग बसेस जो होती है उन पर वर्क किया जाता है। दोज आर एड्रेस बस एंड डेटा बस, जो कि हमारी एक तो एड्रेस बस होती है और एक होती है हमारी डेटा बस, टू कम्युनिकेट विद द रैम एंड रोम, जो कि हमारी रैम एंड रोम से कम्युनिकेट करने के लिए यूज में ली जाती है। यानी हार्वर्ड में क्या होता है, दो हमारे सेपरेटेड बसेस होती हैं, जिसमें एक होती है हमारी बस एड्रेस बस और एक डेटा बस, जो कि हमारे रैम एंड रोम से डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए यूज में ली जाती है। और एक होती है हमारी वॉन न्यूमन। इन दिस आर्किटेक्चर द CPU कम्युनिकेट्स विद अ सिंगल डेटा एंड एड्रेस बस टू रैम एंड रोम साइमल्टेनियसली। देखिए इसमें क्या होता है, इस आर्किटेक्चर में जो हमारा CPU होता है वो कम्युनिकेट करता है केवल एक सिंगल डेटा और एड्रेस बस से, ठीक है। उसमें हमारे क्या होते हैं,
अलग अलग होता है, जिसमें इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल डेटा और एड्रेस बस का यूज़ करके क्या करता है, सीपीयू रैम एंड रोप से क्रमिक रूप से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कंटिन्यू करते हैं आगे। माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए, आप जो माइक्रो कंट्रोलर अपना आईओटी डिवाइस बना रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी जो डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग आपका माइक्रो कंट्रोलर रहे, तो आपको अपनी जो डिवाइस बना रहे हैं उसके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में भी सोचना होगा कि आपको प्रॉपर अमाउंट का अपना क्या करना होगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऐड करके अपनी डिवाइस को बनाना होगा, और जो उसमें ज़्यादा आपकी कॉस्ट भी ना लगे। द कॉस्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर कैन वेरी फॉर डिफरेंट यूज केसेस। वही है कि अलग अलग यूज़ केसेस के लिए माइक्रो कंट्रोलर के आपको अलग अलग कॉस्ट लगेगी, जो कि आपकी आईओटी की डिवाइस के आर्किटेक्चर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड होगी। फर्दर मोर सम माइक्रो कंट्रोलर्स इवन चार्ज सम लाइसेंसिंग फीस फॉर स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स, बट एज यू स्केल अप योर प्रोजेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट विल ऑफर यू अ बेटर वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग आपको अपनी यूजेस के लिए अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर, और उन अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर के लिए आपको अलग अलग चार्जेस पे करने होते हैं। उसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे माइक्रो कंट्रोलर्स भी हैं जो कि आपको ड्राइवर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उनके लिए आपसे क्या ले रहे हैं, कुछ लाइसेंस फीस भी ले रहे हैं। बिना लाइसेंस के आप उन माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज़ नहीं कर सकते। लाइसेंस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स भी आपको अपने डिवाइस के लिए सिलेक्शन के डिवाइस रन करने के लिए सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जैसा कि आप अपनी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अप करते हैं, उसकी स्केल क्या करते हैं, अप करते हैं, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा पे भी करनी होती है, और साथ ही साथ उसका आपको जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। ठीक है, जिससे आप जितना आप माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर अच्छा वर्क करेगा आपकी डिवाइस का, उतनी आपको उसको हो सकता है बेनिफिट्स आपको आगे मिलें। 11th आ जाता है हमारा, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन कम्युनिटी एंड मैन्युफैक्चर सपोर्ट। टू बी मोर स्पेसिफिक, डॉक्यूमेंटेशन मैन्युफैक्चरर एंड कम्युनिटी सपोर्ट इज क्रूशियल टू डेवलप योर आईओटी प्रोजेक्ट। अब आपने जो अपना आईओटी प्रोजेक्ट बनाया है वो तब ही प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करेगा जब आपकी पूरी कम्युनिटी को उसके बारे में समझ में आए, प्रॉपर वो रन में रहे हैं ना। एक अच्छा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे बनाया गया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया है मैन्युफैक्चरर के थ्रू, और कम्युनिटी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है आपका आईओटी डिवाइस, तो ऐसा आपको माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्शन करना चाहिए जिनसे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का क्या हो, इंक्रीमेंट। अ कम्प्रिहेंसिव शिव डॉक्यूमेंटेशन हेल्प एनीवन हु इज यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नीड गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन द स्पेसिफिकेशंस फीचर्स एंड हाउ टू प्रोग्राम एंड यूज इट। यानी आपका जो कम्युनिटी है वो आपकी तभी ही अच्छी डेवलप होगी जब आप अच्छे तरीके से गाइडेंस के थ्रू अपने आईओटी डिवाइस का डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डिवाइस तो बना ली बट उसको रन करना आपको पता ही नहीं है, और ना ही आप जिसको आपके जो भी कस्टमर्स है, जो कम्युनिटी है जिनको आप अपनी आईओटी प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं, उनको शो करवा रहे हैं, तो उन्हें तो कहाँ से आएगा। तो आपको ऐसी गाइडेंस भी देनी चाहिए, गाइडेंस का अकॉर्डिंग भी बनाना चाहिए अपना डिवाइस, आपका प्रोजेक्ट, ताकि सामने वाले को अच्छे समझ में आए। और ये सब हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के प्रॉपर सिलेक्शन पर ही बेस्ड होगा। अब हम देखते हैं कि व्हाई वी यूज़ माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर आईओटी। आईओटी के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ क्यों करें, क्योंकि सिंप्लिसिटी है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप एक चिप के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, और इसके लिए साथ ही आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ये रन कर देता है जैसा आपने इसको इंस्ट्रक्शन दी होंगी। इसमें किसी हार्डवेयर की, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और बहुत सिंपल वे में आपको अपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उस पर वर्क करके आपको आउटपुट शो करवा देता है। तो ये सिंप्लिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का हमारे आईओटी डिवाइस के लिए सिलेक्शन करते हैं। सिक्योरिटी मिलती है हमें यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा डेटा इंक्रिप्शन का मेथड यहाँ पे मिलता है, शील्ड लेयर्स मिलती है जो कि हमारे अटैक्स को बताती है, कोई भी हमारा डेटा रीड ना कर सके उन सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो ये हमें बेहद अच्छा मुद्दा पॉइंट मिल जाता है हमारे लिए कि हमें माइक्रो कंट्रोलर्स का सिलेक्शन क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में डेटा सिक्योर करना हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। थर्ड आ जाता है कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर
हम MPU यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं तो उस समय हम बहुत से डिवाइसेस कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि हम जब MCU यानी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हमारी डिवाइस उसकी कैपेसिटी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, एक अच्छी IoT डिवाइस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का हमारी डिवाइस के लिए सिलेक्शन करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर के जो टॉपिक्स थे वो अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास के लिए तो फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।